नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2023 के अंतर्गत हुए कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का परिणाम बुधवार को मतगणना के बाद घोषित हो गया, जिसमें महागठबंधन की ओर से जदयू प्रत्याशी रहे संजीव कुमार सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। संजीव कुमार सिंह को कुल 8692 मत प्राप्त हुआ है, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रोफेसर योगेंद्र महतो को 2142 मत प्राप्त हुआ है। इस तरह से संजीव कुमार सिंह ने योगेंद्र महतो को 6550 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। बता दें कि 31 मार्च को कोशी शिक्षक निर्वाचन को लेकर मतदान हुआ था, जिसमें कुल 14611 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि बुधवार को पूर्णिया में हुई वोटों की काउंटिंग के दौरान 1144 मत इनवैलिड पाए गए। वहीं कुल वैध मत पत्रों की संख्या 13467 रही, जिसमें संजीव कुमार झा को 967 मत, राजकमल को 876 मत, बीजेपी के प्रत्याशी रंजन कुमार को 599 वोट, संजीव कुमार को 147 मत और उमाशंकर यादव को मात्र 44 मत ही प्राप्त हो सका। इधर चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह के सामने और बीजेपी के प्रत्याशी रंजन कुमार दूर दूर तक मुकाबले में नजर नहीं आए, और बिहार की दो प्रमुख विरोधी गठबंधन में महागठबंधन की बड़ी जीत से उनके नेता और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जबकि बीजेपी और उनके समर्थकों के लिए यह परिणाम बड़ा झटका माना जा रहा है। भागलपुर ऋषिपुर बाराहार थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल सवार के पास से पुलिस ने 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह सफलता पाई है। बताया जा रहा है कि SDPO शिवानंद सिंह के साथ पुलिस टीम द्वारा ऋषिपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने एक बाइक, 1 किलो ब्राउन शुगर और 2 मोबाइल के साथ 2 तस्करों को दबोच लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कहलगांव कारी कादू निवासी मोहम्मद अफरीदी और कहलगांव माधवपुर निवासी आनंद प्रकाश के रूप में हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया कर जेल भेज दिया गया। वहीं इसको लेकर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पश्चिम बंगाल के कालियाचक से ब्राउन शुगर लेकर आ रहे थे, जबकि उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। भागलपुर में सड़क हादसों से हर महीने दर्जनों मौत की खबर आती रहती है, जिसमें कभी मोटरसाइकिल तो कभी ट्रक या हाईवा के तेज रफ्तार की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली जाती है। इसके बावजूद लोग सड़क पर चलने के दौरान जरूरी सावधानी बरतने के प्रति सजग नहीं हो रहे हैं। अपनी जान को लेकर बेपरवाह लोग मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना या चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना जरूरी नहीं समझते हैं, जबकि अक्सर तेज रफ्तार के कारण वाहन अपना संतुलन खो देता है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और एक छोटी सी गलती से पल भर में सब कुछ तबाह हो जाता है। वहीं आजकल के युवाओं के हाथ में मोटरसाइकिल आते ही रफ्तार और करतब दिखाने के कारण भी कई बार सड़क दुर्घटना जानलेवा साबित होती है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पास सामने आया, जहां तेज रफ्तार से आ रहे मोटरसाइकिल और टोटो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि इस टक्कर में टोटो चालक को भी चोट आई और उसका ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इसके बाद गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल चालक को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम टोटो चलाते हैं। क्या हुआ था अभी? हम गाड़ी लेकर आ रहे तो स्पीड में था बाइक वाला, हमको धक्का मार दिया, मेरा हाथ सब कट गया है। इधर से आ रहे थे? हम इधर से आ रहे थे, हम घुमा के यहाँ पर लगाए तो स्पीड वाला स्पीड से आया तो हमको ठोकते हुए चल गया। हमको क्षति हुआ, हाथ कट गया मेरा, गाड़ी का नुकसान हुआ, गाड़ी का शीशा भंग गया, डिफरेंशियल टूट गया मेरा सोकर। कितना का नुकसान हुआ? अब मिस्त्री ये बताएगा ना उसका कितना हुआ। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में भागलपुर के ग्राम कचहरी के लिए नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण DRDA भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र एवं कचहरी सचिव ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। वहीं ट्रेनिंग में बुधवार को नारायणपुर और इस्माइलपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि यह प्रशिक्षण सभी ब्लॉक में 34 दिन तक चलेगा। प्रत्येक प्रखंड 2-2 दिन यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों को ग्राम कचहरी में आने वाले मामले के निपटारे से संबंधित जानकारी दी जाएगी। पटना के तत्वाधान में बिहार चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय के सामने से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सरपंच, उप सरपंच,
न्यायविद और कचहरी सचिव का ये कार्यक्रम है जो 17 ब्लॉक में 34 दिन तक चलेगा। हर एक ग्रुप का 2-2 दिन तक ट्रेनिंग है। इसमें जो मेन है उसका प्रावधान बताया जाएगा जिससे कि लोग लाभान्वित होंगे। इस मुताबिक काम किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? पंचायत का, सरपंच वगैरह का, किस तरह से कचहरी, ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, न्यायमित्र और कचहरी से। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत नवादा गांव में संत मत सत्संग मंदिर निर्माण को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर अबचूगंज होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा संपन्न हुई। इसको लेकर नवादा संत मत सत्संग मंदिर के सदस्य प्रीतम कुमार ने बताया कि संत मत सत्संग मंदिर निर्माण को लेकर जमीन के दाता राजेंद्र प्रसाद चौरसिया की पत्नी सुशीला देवी और अखिल भारतीय संत मत सत्संग संघ के प्रधान आचार्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के द्वारा कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं इसके बाद मंदिर में स्वामी चतुरानंद जी महाराज, स्वामी रघुनंदन महाराज, वृंदावन के स्वामी पुरुषोत्तम आनंद महाराज और स्वामी बिरजानंद महाराज के द्वारा श्रोताओं के समक्ष संतमत सत्संग में कथा वाचन किया गया। मौके पर संतमत सत्संग मंदिर के सदस्य नवीन कुमार चौरसिया, रवि कुमार, डॉक्टर निरंजन चौरसिया, हीरालाल यादव सहित काफी संख्या में मंदिर समिति के सदस्य और ग्रामीण मौजूद थे। सत्संग मंदिर नवादा में जो है महर्षि में ही संत मत सत्संग मंदिर का भव्य उद्घाटन है। इसमें जो है हमारे श्री सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमान जी महाराज जी का जो है शिष्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज जो है ये मंदिर का उद्घाटन करेंगे और स्वामी श्री रघुनंदन जी महाराज। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में कई जगहों पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए ना तो सड़क है और ना ही रेलवे क्रॉसिंग के लिए पुल पुलिया का निर्माण किया गया है। ऐसा ही एक गांव भागलपुर जगदीशपुर अंतर्गत बैजानी पंचायत का मकससपुर है, जहां लोग पटरी के सहारे ही कई किलोमीटर चलकर स्कूल, कॉलेज और बाजार जाया करते हैं। वहीं अब मकससपुर गाँव वालों के लिए पुल बनने की एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसके कारण गाँव के लोगों को अधिक दिनों तक रेलवे पटरी क्रॉस करके स्कूल, कॉलेज और बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस खबर के मिलते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल है और गांव में पुल बनने की स्वीकृति मिलते ही गांव वाले एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते दिखे। इसको लेकर गांव के पुतुल पांडे ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के अलावा बिहार सरकार के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद से अभी तक उनके गाँव में पुल नहीं बना है, जिसे लोगों को आवागमन में
भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी होती रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन लोगों को उम्मीद है कि पुल का काम जल्द होगा, जिससे पुल बनने के बाद वे लोग सुरक्षित यात्रा और आवागमन कर सकेंगे। माँ आनंदी संस्था के स्थापना दिवस को लेकर आगामी 23 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए संस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी में जुटे हैं। वहीं इसको लेकर संस्था की ओर से बताया गया कि माँ आनंदी संस्था के स्थापना दिवस के दिन 11 महिला उद्यमी को राशि मुहैया कराने के साथ 11 कन्या के शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने बताया कि उनकी संस्था जरूरतमंद गरीब और असहाय की सहायता करने के लिए पर रहती है और कई ऐसे कार्य करती हैं जिससे समाज एवं राज्य के लोगों को इससे लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से कई महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक मदद दी गई है, जिसके कारण महिला उद्यमी पूरे लगन के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही है, साथ ही अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल हो रही है। आज हमारे माँ आनंदी संस्था का जो है ये प्रथम वर्षगांठ मनाया जा रहा है 23 अप्रैल को, जिसके तहत कन्या पूजन हो रहा है, महिलाओं को उद्यमी बनाया जा रहा है, लड़कियों की शादी कराई जा रही है। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे उद्यमी महिलाओं की खोज में, ताकि उनको हम लोग ट्रेनिंग दे करके और उनको उद्यम के लिए प्रेरित करें। और यहाँ हमारा ये बाबूपुर गाँव आने का हमारा एक और उद्देश्य है, क्योंकि आज से 4 महीने पहले अनीता जी, हमारी एक बहन है अनीता जी, जिनको हम लोगों ने ग्रॉसरी एंड कॉस्मेटिक का शॉप खुलवाया था, तो वो उस दुकान का विजिट भी मैंने किया और यहाँ आकर जब मैं देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका दुकान काफ़ी सेट हो गया। आज से जब वो 4 महीने पहले हमारे पास आई थी कुछ आर्थिक मदद के लिए, तो मैंने इनसे कहा था जो आपको मैं आर्थिक मदद आज कर दूंगी, लेकिन आप कल क्या करोगे, लेकिन आज वो साबित कर दी जो यहाँ पे ये ग्रॉसरी शॉप इनका बहुत अच्छा चल रहा है। अब इनसे जो है अपने जीवन यापन, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ये दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।